अब जो फर्टिलाइजेशन होगा मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवम गॉट फ्यूज टुगेदर, क्लियर अब जो ये इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। हेलो हाय एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग सो गुड एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू

एंड जो आपके फ्रॉग्स होते हैं मेल फ्रॉग्स एंड फीमेल फ्रॉग को हम सेक्शुअल डाइवॉर्फिज़म के बेसिस पे मेल एंड फीमेल बता सकते हैं बिकॉज मेल फ्रॉग है वेल डेवलप्ड वॉकल सेक एंड जो मेल फ्रॉग होंगे उनकी फोर लिम्स के फर्स्ट डिजिट पे कॉपुलेट्री पैट्स प्रेजेंट होंगे एंड जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें सीडो कॉपुलेशन होता है बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग देअर जेनाइटल ऑर्गन्स ओके एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हाउ इट इज हैड्री ओ साइट क्लियर सो हाउ द सेकेंडरी ओसाइट लुक्स लाइक इन दी फ्रॉक सो आपको याद होगा अभी कि इन जो ये आपके सेकेंड्री ओसाइट होते हैं ये कौन सी मेमब्रेन होता है इनमें दे हैव अ टर्शरी एग मेमब्रेन बिकॉज सेकेंडरी उराउंड एक जेली लेयर होता है विच इज सिक्रेटेड बाई दी फेलोपियन ट्यूब या आप उसे ओवी डॉक्ट भी बोल सकते हो तो देखो कैसा लगता है इसका सेकेंडरी ऊसाइट ओके okay. सो so ये इसके बाहर सराउंडिंग में जेली लेयर एंड फिर ये इसका इनर मोस्ट लेयर ठीक है ये इसका क्या है इनर मोस्ट लेयर है जिस जो आपके सेकेंडरी ऊसाइट का लेयर है ठीक है आई ड्रॉइड विद द ऑरेंज कलर So, ये जो आउटसाइड वाली लेयर है इस लेयर का नेम क्या है दिस इज जेली लेयर को हम बोलेंगे जेली लेयर एंड जो सेकेंडरी ऊ साइड के बाहर वाला लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे ऊ लेमा ओके दिस इज नोन एज वॉट ओ लेमा ओके एंड ये जो आपका जेली लेयर के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा

इस साइट को आप क्या बोलते हो एनिमल पोल एंड द लोअर साइट इट इज नोन एज वेजिटल पोल आप इसे क्या बोलते हैं दिस इज नोन एज वेजिटल पोल अब ये जो एनिमल पोल्स होता है इसमें आपकी क्या प्रेजेंट होती है पिगमेंटेड कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट ये क्या प्रेजेंट है ये यहाँ पर आपका पिगमेंटेड कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट एंड ऑन द लोअर साइड यहां पर लोअर साइड में प्रेजेंट होता है यहां क्या प्रेजेंट होगा आपका यॉक प्रेजेंट होगा सो आई एम लेबल इट आप क्या होता है ओके okay. सो so, ये जो अपर साइड है दिस इज वॉट दिस इज पिगमेंटेड कॉटेक्स क्लियर एंड दिस पार्ट इज वॉट दिस इज दी यॉक पार्ट अपर वाला जो एनिमल पोल के टूवर्ड्स है इट कंटेन्स दी पिगमेंटेड कॉर्टिक्स एंड टूवर्ड्स दी वेजिटेबल पोल इट इज हैविंग अ योक पार्ट क्लियर अभी वेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस एग ओके तो क्या होगा इसमें ऐसा होता है कि अगर ये जितना लंबा पाथवे क्रॉस करेंगे उतना फर्टिलाइजेशन विल बी सक्सेसफुल क्लियर सो फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन और फॉर सक्सेसफुल पेनिट्रेशन दैट पाथ शुड बी लॉन्ग अब पाथ कैसे लॉन्ग होगा फर्स्ट जो सपोज यहाँ पर ये स्पर्म आ रहा है ठीक है अब स्पर्म का हेड पहले यहाँ से एंटर करेगा एंड देन ये एक नेक में बेंड लेकर आएगा जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्या बनेगा फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा क्लियर अभी देखो यहाँ पर क्या होगा सपोज ऐसे देखना यहाँ पर इधर की साइड एक फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा लाइक दस ओके सो सपोज यहाँ पर क्या बना ये स्पर्म है

और आप इसी दूसरा क्या बोल सकते हैं यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ रिसेप्शन कॉन ओके इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिसेप्शन कॉन सो हे आर राइट वन पॉइंट फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन ओके फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन पेनीट्रेशन पाथवे पेनीट्रेशन पाथवे शुड बी लॉन्ग नीट्रेशन पाथवे कैसा होना चाहिए इट शुड बी लॉन्ग क्लियर तो ये आपका एक लगता है एक द इन फीमेल्स दैट आई लुक लाइक दैट एंड फिर उसके बाद जब स्पम और ओवम का कनेक्शन होगा देन एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनेगी वाई दिस कोन लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म सो दैट पेनिट्रेशन पाथवे ज्यादा हो सके एंड उसके बाद उनमें क्या हो सके ईजी से फर्टिलाइजेशन हो सके क्लियर अब जो फर्टिलाइजेशन होगा सो मेल स्पम एंड फीमेल ओवम गॉट फ्यूज टुगेदर तो क्लियर अब जो ये फर्टिलाइजेशन होता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वॉट हैपन देखो सपोज यहां पर ये इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ ये स्पर्म ने यहां ये स्पर्म ने यहां एंटर कर दिया ये अपर वाला पार्ट क्या था पिगमेंटेड कॉर्टेक्स एरिया दिस इज पार्ट ओके जब स्पर्म अंदर एंटर करता है एंड इट कम इन कॉन्टेक्ट विद फीमेल न्यूक्लियस क्लियर अब यहां पर क्या होगा देर अ रोटेशन इन कॉर्टेक्स एट थर्टी डिग्री एंगल यहां पर क्या होगा देर इज अ रोटेशन ओके देयर इज अ रोटेशन इन कॉर्टेक्स एट थर्टी डिग्री एंगल एंड जब इसमें रोटेशन हो जाएगा एट थर्टी डिग्री एंगल नाउ दिस एरिया इज नोन एज जी सी एरिया ओके नाउ दिस एरिया इज यूज टू बी नोन एज जी सी एरिया फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली इज टेकिंग प्लेस ओके फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर एक 30 डिग्री एंगल पे क्या हुआ एक रोटेशन हुआ एंड दिस रोटेशन फॉर्म्स अ व्हाट दिस इज फॉर्मिंग अ जीसी एरिया इन्होंने क्या बनाया जीसी एरिया यहाँ पर क्या है दिस इज योर पिगमेंटेड कॉर्टेक्स पार्ट फियर एंड दिस पार्ट इज योर योर पार्ट वाई दिस जीसी एरिया इज फॉर्म जीसी एरिया क्यों बनाए बिकॉज इट फॉर्म्स डॉसल सरफेस क्या बनाएगा ये फ्रॉग में डॉर्सल सरफेस एंड वाई बी यूज टू से जी ग्रे क्यों बोल रहे हो आप इसे बिकॉज इट बिकम स्लाइटली ग्रेस इन कलर ओके सो दिस जीसी एरिया फॉर्म्स डॉर्सल सरफेस एंड इट इज स्लाइटली सॉरी स्लाइटली ग्रेस एन कलर इसका कलर कैसा होता है इट इज स्लाइटली ग्रेस इन कलर ओके नाउ वंस द जी सी एरिया इज फॉर्म आपका जीसी एरिया इज फॉर्मड सो जी सी स्टैंड फॉर वॉट जीसी स्टैंड फॉर दी ग्रे क्रेसेंट एरिया आप इसे क्या बोलोगी ग्रे क्रेसेंट एरिया

वहां पर जीसी एरिया फॉर्म नहीं हुआ उसकी जस्ट अपोजिट साइड पे फॉर्म हुआ सो जीसी इज फॉर्म इन दी अपोजिट साइड ऑफ स्पर्म एंट्री क्लियर एंड द सेकेंड इज इट मार्क और यू कैन से दैट इट फॉर्म्स सरफेस इट मार्क एंड फॉर्म सी

पोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ वॉट पोजिशन ऑफ डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टो ठीक है और इसका नाम क्या होते हैं ग्रे क्रेसेंट एरिया ठीक है अब ये देखो जब एग जब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था सो so ये जो इसका सिमेट्री होगा ना इट इज इन रेडियल इन सिमेट्री ओके

बिफोर फर्टिलाइजेशन सिमिट्री ऑफ एग कैसा होता है सिमिट्री ऑफ एग इट इज रेडियल ओके आफ्टर दर्टिलाइजेशन द सिमिट्री ऑफ एग इज वॉट इट इज बाई लेट्रल इन नेचर अब कैसा हो जाएगा ये बाई लेटरल इन नेचर क्लियर So in next session, I will going to discuss about the cleavage formation in the ga in the frog. Okay. So first we are going to start ki like how your first vertical plane cut will Then how perpendicular cut. How your second cell stage. Then four cell stage. Then your sixteen. Then your sixty four. And then is your one twenty eight cell stage. Okay. This all thing we will discuss in the next session. Thank you so much.